बेकरू कांड के बाद लोगों के बीच पहचान में आई विकास दुबे की पत्नी रीचा दुबे एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद घिमाऊ सीट सामान्य हो गई है। इसके साथ ही रीचा दुबे की चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि बीकरू गांव की सीट आरक्षित हो गई है, ऐसे में उनके परिवार से किसी का ग्राम प्रधान बनना अब नामुमकिन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला पंचायत की घिमाऊ सीट पर गैंगस्टर विकास दुबे का दबदबा रहा है। इससे पहले विकास की पत्नी रीचा दुबे यहां से जिला पंचायत सदस्य चुनी जा चुकी है। अब जब एक बार फिर घिमाऊ सीट सामान्य हुई है तो उम्मीद जताई जा रही है कि रीचा राजनीति वर्चस्व बचाने के लिए मैदान में उतर सकती है। बीकरू गांव के प्रधान पद पर भी विकास दुबे का वर्चस्व रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले बीकरू गांव की ग्राम प्रधान की सीट पर भी परिवार का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है तो परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बता दें कि विकास दुबे ने 2 जुलाई 2020 को उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना के बाद विकास दुबे मध्य प्रदेश भाग गया। जब उसे गिरफ्तार कर वापस कानपुर लाया जा रहा था तब उसने एक बार फिर पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में वो भी पुलिसों की गोली से क्या शिकार हुआ और मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.